पीलीभीत के बरखेड़ा में आज सुबह कस्बा के लोग एवं व्यापारियों ने कोयले के डंपरों को रोका, क्योंकि बरखेड़ा भोपतपुर रेलवे स्टेशन पर कोयला उतारा जा रहा है, जिसमें डंपरों द्वारा बरखेड़ा पावर प्लांट से ले जा रहा है, जिसकी समस्या को लेकर व्यापारियों ने इससे पहले भी कई अधिकारियों को ज्ञापन दिए एवं व्यापारी धरने पर भी बैठे, परंतु कोई समस्या का समाधान आज तक ना निकला। कोयले के डंपर दिन में निकलते हैं तो कोयले से उड़ी हुई राख पूरे रोड पर फैल जाती है और व्यापारियों की दुकानों में उड़कर जाती है। अक्सर कोयले के डंपर से लगता है लंबा जाम। देखिए, हमारे बरखेड़ा अति नजदीक भोपतपुर स्टेशन है, इसमें कोयले की रंग लगती है, जिससे रैंक लगती है। ये कोयला जहाँ गुजर के जाता है, ये हमारे पूरा बरखेड़ा मार्केट से गुजर होते ही जाता है, जिससे कोयला गुजरते हुए जाता है और हमारा बरखेड़ा की मार्केट पूरी ऐसी तहस-नहस हो गई है कोयले की वजह से। इतना काले हो रखा है कि दुकानों से लेकर घरों तक अंदर तक कोयला पहुँच रहा है, जिससे अगर इसका कोई अगर समाधान नहीं हुआ तो आने वाले समय में हमारे बरखेड़ा की जनता के लिए ऐसी लाइलाज बीमारियाँ हो जाएंगी जिसका इलाज संभव नहीं है। इसको देखते हुए हम लोगों ने कई बार उच्च अधिकारियों से वार्ता की। अभी हम अपने माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री जी से हमने इसको लिखित पत्र देकर उसकी शिकायत की, जिन्होंने हमें अवगत कराया है, हमें आश्वासन दिया कि इसका कोई ना कोई जल्दी इसका समाधान होगा। और आज की बात रही, सुबह से हम लोगों ने देखा और बाकी काफ़ी नगर के लोगों ने देखा कि कोयला जहाँ से जा रहा है वहाँ से इतना मात्रा में रोड पर गिरा हुआ है, जिससे हम लोगों को निकलना दुश्वार होगा। इसलिए हम लोग अभी, हमारे साथ कई लोग आए जिससे अभी कुछ वार्ता की है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अब कोयला ऐसा नहीं गिरेगा रोड पे, जिससे कोई हमारे नगर के लोगों को साथ ही जनता को कोई समस्या नहीं होगी। इससे वार्ता हुई है, उन्होंने क्या कहा, किस समय चलने के लिए अब ये जो क्या नाम अपना ये अभी जो वार्ता हुई है अपने पावर प्लांट के ECH हेड प्रशांत सिंह जी आए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अब जो कोयला यहाँ से निकल के जाएगा शाम को 8 बजे से और सुबह 6 बजे तक कोयला निकलेगा, और उसके साथ ही ओवरलोड नहीं जाएगा, साथ ही जो साइडों में कोयला लगा हुआ होता था उसको साफ सफाई करके जाएगा, जिससे कोयला से यहाँ जो गिर रहा था वो समस्या का समाधान होगा। ऐसा नहीं हुआ उसके बाद क्या करेंगे आप? अगर नहीं हुआ तो हमारी जनता है, अगर जनता हमारे साथ अगर हमारे पास आएगी तो उसका ना कोई समस्या समाधान के लिए हम लोग जहाँ जिस स्तर तक जाना पड़ेगा वहाँ तक हम अपनी जनता के साथ खड़े हुए हैं और उसके साथ जाएंगे, इस समस्या का समाधान करेंगे।